सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसके लिए यहाँ पे दो सीरीज आती हैं, राजन और पौन सीरीज। इन दोनों ही सीरीज को मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके राजन सीरीज को, ठीक है। पहले आप राजन सीरीज सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पौन सीरीज सॉल्व करा दूंगा। और इस राजन सीरीज में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए पूरे सिलेबस से। तो सबसे पहले इस सीरीज में क्या दिया होता है, बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि आपके परीक्षा में 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहता है, जैसा कि आपकी परीक्षा में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं और पीछे आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, बस आपको जो है पूरा ध्यान लगा करके पढ़ना है। और यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स भी रहता है यहाँ सीरीज में, तो उसको भी मैं सही करके आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, खुद भी आप प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। कम समय में आपके परीक्षा की अच्छी तैयारी होगी इससे, राजन सीरीज से, पौन सीरीज से। और इसी में आपको पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपकी पूरी भरपूर तैयारी होगी, कहीं कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है बेसिक से मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप जो है बस पहले प्रयास यही करिएगा कि प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करिए, बस इतना कोशिश आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए अभी, ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच जाए और सभी लोग जो है इस क्लास का लाभ उठा पाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 2023 में पूछे हुए प्रश्न है वही दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है वही आपकी सीरीज में पहले दिए गए हैं। तो इसको मैं पहले आपको करा देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग से ही चलेगा, जैसे आपके प्रश्न यहाँ सीरीज में दिए गए हैं उसी नंबर से यहाँ मैंने सेट कर लिए हैं, ताकि यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा पाऊं और अच्छे से इस तरीके से बता पाऊं, ठीक। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक, देखिए पहली संख्या है ऋण 3/5, ये एक क्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है नहीं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जिसका जो डेसिमल पार्ट होता है वह जीरो होता है। पूर्णांक संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। और शून्य, और इसी तरीके से इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये ऋण पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे ऋण 5 भी आएगा, तो ऋण 5 जो है ये आपका ऋण पूर्णांक संख्या है। जीरो, देखिए यहाँ जीरो जो होता है ना धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ऋणात्मक में, ठीक। और ये ऋण रूट 7, तो ये भी पूर्णांक संख्या तो है नहीं, तो ऋण 5 आपका ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो भी दी गई संख्याएं होती हैं उनका मल्टीपल, उनका गुणज, या आप कह सकते हैं कि इनका जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो अब देखिए 45 9 से विभाजित होगा, लेकिन 12 और 18 से नहीं, तो ये आपका यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। 36 आप देखेंगे 9, 12 और 18 तीनों से विभाजित होगा, तो 36 हो सकता है और 9 तो खैर नहीं होगा, और 27 भी नहीं होगा क्योंकि सबसे कटेगा ही नहीं। तो सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होने वाला छोटी से छोटी संख्या क्या है, 36 है। जिसको चाहे तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, 9, 12 और 18 लिखिए आप, और इसके बाद आप भाग दीजिए जिस भी संख्या से भाग जा रहा है। अब यहाँ पे भाग दीजिए किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है, बस 9 में नहीं जा रहा, 12 और 18 में जा रहा, तो किसी में भी जाएगा तो भाग देंगे। तो देखिए 9 का 9 रह जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। फिर देखिए अभी 2 से जा रहा है 6 में भाग, तो ले जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब देखिए
दो से भाग नहीं जा रहा है, यहाँ बचा है नौ, तीन और नौ, फिर अब यहाँ तीन से भाग देख रहे हैं, जाएगा, हाँ जाएगा, तो तीन से भाग देंगे तो ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा तीन, फिर तीन से भाग देंगे तो सब एक हो जाएगा, जहां पे सब एक हुआ वहीं पे गुणा कर लीजिए, वही आपका लासा हो जाएगा, दो दूनी चार और चार तिया बारह और बारह तिया छत्तीस, यही छत्तीस आपका लासा हो जाएगा, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। लासा बराबर लिखेंगे दो गुड़े तीन गुड़े तीन, ये आपका लासा आ गया 36। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या तीन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सा नहीं है। अब ये देखिए 22 बटे 12 लिखा है, 22 बटे 12 लिखा है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में इस तरीके से अंश और हर के रूप में लिख सकें, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और इसी तरीके से देखिए 0.78 है, तो इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 78, नीचे बटे हो जाएगा 100, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, अंश और हर के रूप में लिखा गया है। और द ऑप्शन को देखेंगे तो ऋण 5/36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये ऋण 5/6, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। और पाई, पाई का मान देखेंगे तो 3.14159 ऐसे आता है और ये खत्म नहीं होता है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इतनी होती है। पाई को हम लोग कई जगह 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ठीक, जो एग्जैक्ट मान होता है इस तरीके से होता है 3.4159, इस तरीके से ये चलता जाता है, दशमलव के बाद जो होती है संख्याएं खत्म नहीं होती, तो इस वजह से हम क्या होता है कि इसको किसी संख्या के रूप में एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते, इसके इस मान को जो दशमलव में मान होता है वो एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते, हम मतलब लगभग में दिखाते हैं, तो एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होती है, इसे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि 22/7 का अभी मान आप निकालने जाओगे तो इससे अलग आता है, ठीक, और ये जो मान है ये कभी खत्म नहीं होता है, इसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तो ये आपके यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या चार है, 9.5 का वर्ग का मान है, तो 9.5 का वर्ग का मान निकालना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं 9.5 × 9.5 कर सकते हैं, या इसी को ऐसे कर सकते हैं 10 − 0.5 का होल स्क्वायर, ये दो तरीके हैं करने के, 9.5 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 − 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे चाहे इस तरीके से आप गुणा करके निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2a × b और फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, अब निकाल लीजिए, देखिए 100 और माइनस 20 और गुणे 0.5, तो हो जाएगा 10 और धन 0.5 का गुणा 0.5 में, तो 25 और दो स्थान पे 0.025, अब देखिए घट जाएगा तो 90 और 0.25 जुड़ जाएगा तो 90.25 मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 90.25, ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये गुणा करना तो आपको आता ही है, ये दूसरा मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से जब आप मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 90.25। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पांच है, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह है, तो अब देखिए एक वर्ग दिया गया है 40 से 50, और ये 40 क्या है, ये वर्ग की निम्न सीमा है, और 50 क्या है, इस वर्ग की उच्च सीमा है, ठीक। अब आपको अगर वर्ग का मध्य बिंदु निकालना है तो वर्ग का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने के लिए जो निम्न मान है उसमें जोड़ देंगे उच्च मान और दो से भाग कर देंगे, तो 40 × 50 90, 90/2 45, यही आ जाएगा आपका मध्य बिंदु का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या का पूरा सेट कौन सा है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना होती हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ में 8 जो होता है वो एक और 8 खुद से तो विभाजित होता है, साथ ही साथ 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो ये पेयर जो है इसमें 8 भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है और 4 भी भाज्य संख्या। तो ये पूरा पेयर हमको जो है हर एक जोड़े में तीन तीन संख्याएं देखिए दिया हुआ है, ठीक है, हर एक ऑप्शन में तीन तीन संख्याएं दिया हुआ है हमको। ऐसा यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं हो। तो देखिए 8 यहाँ भाज्य है और यहाँ 9 भाज्य है, यहाँ 6 भाज्य है और ऑप्शन बा में देखेंगे तो 11 अभाज्य है। 2 अभाज्य होता ही है क्योंकि 2 या तो खुद से कटता है या फिर एक से कटता है, तो 2 अभाज्य होता है। साथ ही साथ 3 भी अभाज्य होता है क्योंकि 3 या तो खुद से कटता है या फिर एक से कटता है। तो इस तरीके से 11, 2 और 3 ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो केवल खुद से या एक से कटती हैं, तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं का सेट है। अब इस तरीके से समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, परिमेय संख्या ऋण 3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, अगर योगात्मक प्रतिलोम की हम बात करें तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, पहले सोचिए किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो किसी संख्या को अगर उसके योगात्मक प्रतिलोम में हम जोड़ देते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यही योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में जोड़ने पे मान 0 हो जाता है। यानी अगर ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम एक्स है, ठीक, अगर ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम एक्स है तो ऋण 3/4 को अगर x में जोड़ देंगे तो मान क्या आ जाना चाहिए, ये बराबर आ जाना चाहिए 0 के। अब देखिए ऋण 3/4 को उधर भेजिए, धन 3/4 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 3/4, यानी कि ऋण 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम आ गया 3/4। अब इसी तरीके से अगर हमको निकालना हो ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं y, मान लेते हैं इसको हमने y कह दिया। अब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या में अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाए तो मान 1 आना चाहिए। तो ऋण 3/4 में अगर y का गुणा करते हैं तो मान 1 के बराबर आना चाहिए। अब यहां से y का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 4, देखिए यहाँ हर में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा अंश में, और इधर ऋण 3 जो है वो अंश में है तो इधर आ जाएगा हर में। इसी को चाहे तो ऋण 4/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो माइनस ऊपर चला जाएगा, या सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड होता है, चाहे हर या अंश में कहीं भी नेगेटिव लगा है तो पूरे पे नेगेटिव हो जाता है। अब इस तरीके से समझ गए आप कि ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण 4/3, यानी कि बस इसी को पलट दीजिए, चिन्ह वही रहेगा और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो मान है वो वही रहता है, बस जो है चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम हो गया 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम हो गया ऋण 4/3। तो ऑप्शन बा में अगर आप देखते हैं 3/4 और ऋण 4/3 ये दिया हुआ है, यही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 8। संख्या 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। अब रेखीय समीकरण कौन सा समीकरण होता है, देखिए समीकरण में सब में बराबर का चिन्ह होता है, सब में बराबर का चिन्ह है,
दो पक्ष होते हैं समीकरण में बराबर के इधर उधर, तो सब जगह तो ये चारों समीकरण ही दिया गया है। अब रेखीय समीकरण की क्या पहचान है? रेखीय समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो चर की घात होती है अधिकतम घात वह एक होती है। यहाँ पे आप देखेंगे x धन 8 बराबर 27 है, यहाँ x की घात कितनी है? एक है, तो ये रेखीय समीकरण कहलाएगा। इसी तरीके से देखें 3x माइनस 5 बराबर 2x धन 8, यहाँ दोनों जगह x की घात कितनी है? एक है, तो ये रेखीय समीकरण होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में यहाँ x की घात 2 है, तो जहां x की घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण। तो जब द्विघातीय समीकरण हो गया तो रेखीय समीकरण नहीं रह गया, क्योंकि रेखीय समीकरण जहां घात एक होती है उसको हम कहते हैं, यहां भी घात एक है। तो इस तरीके से रेखीय समीकरण केवल यही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सा नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, ये आपका द्विघातीय समीकरण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ दिया जाए तो मान शून्य हो जाए। तो x का मान कितना आ जाएगा? 16। ऋण 16 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो मान शून्य हो जाएगा, यानी कि 16 होगा योगात्मक प्रतिलोम, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन डा इनमें से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब दो अनुपात समान होते हैं तो ऐसे अनुपातों को हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अनुपात नहीं कहते हैं, सरल नहीं कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ऑप्शन सा यहाँ पे जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और समानुपात में क्या होता है? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा के होता है। देखिए यहाँ पे आ भी गया अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, समानुपाती पदों में 20 और 60 मध्य पद है। अब देखिये हाँ, मध्य पद और बाह्य पद आ गया, तो मध्य पद क्या होते हैं? ये आप देख रहे हैं 20 अनुपात 30 समानुपात का चिन्ह ये है, फिर 60 अनुपात 90 ये लिखा गया है। तो ये जो बीचों बीच आप डबल बिंदी देख रहे हैं, ठीक, ये आपके इससे लगे हुए ये दोनों मध्य पद हो जाते हैं, दोनों जो बाहर की तरफ हैं ये आपके बाह्य पद हो जाते हैं। तो 20 और 90 आपका बाह्य पद होगा और 30 और 60 जो होगा मध्य पद है। अब ये आप समझ गए कि 30 और 60 मध्य पद हैं, 20 और 90 बाह्य पद हैं, ठीक। इसको हम कहेंगे मध्य पद और ये हमारा होता है बाह्य पद। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, जो आपको जानकारी चाहिए थी सही सही जानकारी ये हो गई। अब यहाँ पे पढ़िए 20 और 60 मध्य पद हैं, तो 20 तो देखिए आपका बाह्य पद है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। 30 और 90 बाह्य पद हैं, तो 30 और 90, 30 तो मध्य पद है, गलत हो जाएगा। 20 और 30 ये आपके बाह्य पद हैं, तो 20 बाह्य पद है, 30 मध्य पद है, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो 30 और 60 मध्य पद हैं, ये पूरी तरीके से सही है। तो ऑप्शन डा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहां कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है। अब देखिए अगर 25, 75 और 500 को समानुपात में होना है तो उसको 500 और 1000 को यहां पे अगर समानुपात में होना है तो इस तरीके से इनको लिखा जाएगा और बाह्य पद जो होगा वह 25 और 1000 होगा और ये 75 और 500 जो होगा वह मध्य पद होगा। और आपको पता है कि समानुपात में जो बाह्य पदों का गुणा होता है, यानी कि 25 गुणे 1000 25000, यह बराबर होना चाहिए मध्य पद के गुणा के, यानी कि 75 गुणे 500, तो 75 पच्चे ये हो जाएगा आपका 375 और 375 और 20 यानी कि 37500 हो जाएगा और ये 25000। आप देख पा रहे हैं कि जो मध्य पदों का गुणा है वह बराबर बाह्य पदों के गुणा के नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सटीक है कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, इसीलिए
ये समानुपात में नहीं है, ये चारों समानुपात में नहीं है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा भाषा का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भाषा को समझना है, यहाँ पे इस नहीं को समझना है और यहाँ पे इस नहीं को समझना है, दोनों ही जो आपकी स्टेटमेंट है उनमें नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये समानुपात में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो है बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा गुणनफल के बराबर नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि पाई जो होती है वह परिमेय संख्या नहीं होती है, ये तो देखते ही आप समझ गए। अब बाकी जो हो जाएगी, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, धन पूर्णांक 3a+5 के ठीक बाद धन पूर्णांक होगा, तो 3a+5 अगर एक धन पूर्णांक है, ठीक, तो उसके जस्ट बाद वाला धन पूर्णांक क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि 4 एक संख्या है, 4 के तुरंत बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो आप 4 में 1 जोड़ोगे और बता दोगे क्या होगा, 5 होगा। तो इसी तरीके से ठीक बाद आने वाला धन पूर्णांक निकालना है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3a+5 + 1। अब 5 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3a+6, तो 3a अगर धन 6 कहीं दिया है तो सही हो जाएगा, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक आप समझ लीजिए, आपने योगात्मक प्रतिलोम पढ़ा और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा, ये दोनों तो आप समझ गए कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ दिया जाए और मान शून्य हो जाए तो वो दोनों संख्या एक दूसरे की क्या होंगी? योगात्मक प्रतिलोम होंगी। और अगर दो संख्याओं का गुणा करने पे आपको 1 मिल रहा है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। अब यहां समझिए कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, अगर कोई संख्या एक्स है और उसमें हम क्या जोड़ दें कि इसमें कोई मान में परिवर्तन ही ना हो, फिर से हमें एक्स मिल जाए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसमें 0 जोड़ें, तो यही 0 को क्या बोलते हैं? योगात्मक तत्समक बोलते हैं, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात किया जाए गुणात्मक तत्समक की, तो गुणात्मक तत्समक का परिभाषा क्या होता है? गुणात्मक तत्समक वह होता है, गुणात्मक तत्समक वह होता है जिसमें, जैसे संख्या x है जिसमें हम गुणा कर दें तो हमको x के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो किससे गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, 1 से, तो 1 क्या हो जाता है? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब देखिए जो धनात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका, ठीक है, जो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका मान जो होता है वो जो संख्या दी रहेगी उसके मान पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे पूछेगा कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो 0 होता है, और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो 1 होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसको हम 7/3 में जोड़ देंगे तो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -7/3। देखिए अगर संख्या a दिया है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -a, जैसे 7/3 दिया था तो मिला क्या? -7/3, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, x²-1/(x+1) का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है, तो अब देखिए x²-1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, और बटे है x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि कहीं पे अगर लिखा हो a²-b², तो इसको लिख सकते हैं
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह है एक्स और बी की जगह है एक, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स धन एक, ए की जगह है एक्स और बी की जगह है एक, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस एक, और नीचे देखिए एक्स धन एक का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स धन एक गुणे एक्स धन एक। अब देखिए ऊपर एक्स धन एक गुणे एक्स माइनस एक है और नीचे एक्स धन एक गुणे एक्स धन एक है, तो एक्स धन एक कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स माइनस एक बटे एक्स धन एक, यही आपका बच जाएगा। और ये आपके ऑप्शन आ में दिया गया है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है, 6 और 54 का मध्यानुपाती, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मध्यानुपाती अगर मानते हैं x होगा तो इसको लिखा जाता है 6 अनुपाते x समानुपाते, फिर से x आता है x अनुपाते 54, ठीक। मध्यानुपाती मतलब मध्य में ये दो बार आपका इस तरीके से आता है, या अगर इसको आप लिखेंगे ऐसे ऐसे हम लोग लिखते हैं a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, तो ये हो जाता है आपका मध्य पदों का गुणा b स्क्वायर b इंटू b और इंटू ए सी हो जाता है, तो सीधे मध्यानुपाती का जो मान आ जाता है वह b अंडर रूट ए सी आ जाता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए और वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आप मध्य पदों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणे 54, और एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 6 गुणे 54 कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 6 25 2 32, ये हो गया आपका 324। अब ये 324 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है 18 का वर्ग, ये आ जाएगा 18, एक्स का मान कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे मध्यानुपाती आप इस तरीके से निकाल लीजिए या फॉर्मूला याद कर लीजिए, मध्यानुपाती का जब भी मान पूछेगा तो आपको जो दो मान दिए रहेंगे उनका गुणा कर लीजिएगा और उनका वर्गमूल ले लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो 18 आ गया, ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है, कोई पूर्ण संख्या है और उसमें से शून्य आप घटाएंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 आपकी पूर्ण संख्या है, उसमें से आप घटाएंगे शून्य तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा, वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 20 है, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये जो गिनती की संख्याएं होती है इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आपको दिख रही है 5, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये भिन्न संख्याएं हैं और ये कर्णी है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 21 है, एक ऋण 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना, यही होता है पूर्ण वर्ग बनाना, जैसे दो संख्याएं यहाँ आपस में देख रहे हैं कि एक में से 8x घट रहा है, यानी कि एक घटाना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम इस रूप में बना सकते हैं, यही होता है पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए ये कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखिए दिया क्या है 1 माइनस 8x, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 8x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 आएगा, क्योंकि 8 है तो 2 चौक 8 और गुड़े एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये माइनस है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से पूर्ण बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आपका इस रूप में बनेगा। तो ये एक का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये a का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी,
अब ए का मान जो है आपको पता है एक है, ए का जो मान है एक है, तो बी का मान आपका कितना होना चाहिए, बी का मान जो होना चाहिए यहाँ पे गुणे एक ए आपको पता है, और 4x देखिए यहाँ पे अधिक आ रहा है, तो हमको बी की जगह क्या चाहिए, बी की जगह हमको 4x मिल रहा है। यहाँ पे बी की जगह अगर हम देखें तो इस तरीके से मैं लिख देता हूं, देखिए 2 into a माइनस, देखिए माइनस 2 into a, a का मान है एक, और गुणे क्या बचा है 8x में क्या था, बस 2 हमारा बाहर आया तो यहाँ बच जाएगा 4x। तो यही 4x का होल स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी कि धन 4x का होल स्क्वायर होना चाहिए तब ये बनेगा पूर्ण वर्ग। ठीक है, इतना रहेगा, इतना ही मिसिंग है तभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं तो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो 4x का स्क्वायर यही हमारा मिसिंग है, यही पूछ रहा है क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 4x का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x, यानी कि 16x स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए कि अगर 1 - 8x में हम 16x स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहीं पे लिखा होता 1 - 8x + 16x² तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता 1 - 4x का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन जाता इस तरीके से। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आप अब रख के देख सकते हैं 16x, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 22 है, भाज्य का सूत्र है, भाज्य का सूत्र क्या होता है, तो देखिए जब भी हम भाग देते हैं इस तरीके से यहां पे समझिए, तो यहां पे ये होता है हमारा भाज्य और यहां पे होता है हमारा भाजक और यहां पे हमारा आता है भागफल, और अगर कुछ शेष रह गया तो लास्ट में हमारा क्या आता है, शेष फल, अगर कोई संख्या बच गई नहीं कट रही है तो ये हमारा हो जाता है शेष फल। ठीक, और ये जिसमें भाग जाता है वो बड़ी संख्या होती है, इसी का मान भाज्य का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर भाज्य का मान आप छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे आप समझेंगे, देखिए अगर हम 3 से भाग करें 17 में, तो 3 * 5 = 15 हो जाएगा और बचेगा कितना 2, तो 3 से हमने भाग किया भाजक से, 17 भाज्य में भाग गया और 5 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ठीक, तो अगर हम भाज्य बराबर लिखना चाहें, 17 बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 * 5 धन शेषफल 2, तो यही आपका सूत्र होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा जो आपका भाजक है गुणे भागफल धन शेषफल, जो कि ऑप्शन डा में दिया गया है। यही आपका भाज्य जो होता है जिसमें भाग दिया जाता है वह बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणा, और उसमें जोड़ दीजिए आप शेषफल को, यही आपका भाज्य का माना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सूत्र आप समझ गए, सूत्र ही था और बहुत ही बेसिक आप शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, जब हम कुछ चीजों को गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से, 1 2 3 इस तरीके से गिनते हैं, शून्य से तो गिनते नहीं है, तो शून्य नहीं होगा, एक होगा, ऑप्शन बाद हो जाएगा एक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, और 2 3 तो बाद में आते हैं, तो इस तरीके से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, और शून्य किस में आता है, शून्य आता है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, होल नंबर्स में पूर्ण संख्या में आता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए प्रश्न संख्या 23 तक, और उम्मीद है कि यहां तक सभी प्रश्न संख्या 23 तक आपको समझ में आए होंगे सभी प्रश्न, और यह क्लास आपको पसंद में आई होगी, तो और यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और कैसी लगी यह क्लास आप जरूर कमेंट करके बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और कहीं कुछ मुझे इम्प्रूव करना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, या
आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं उनको बताइएगा, ताकि हम लोग इस क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकें और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सभी विषय जो है चैनल पे पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि राजन सीरीज का, पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाए और क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, सारी सुविधाएं आपको मिल जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी ऐप का, जो कि हमारा ऐप है जिसमें आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। वहां से आप पढ़ाई करेंगे तो कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। वहां पे आपको तैयार नोट्स तुरंत मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप पढ़ाई करके अपने परीक्षा में 95% तक अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 से सेकंड पार्ट में। तब तक ऐसे बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।